नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर रणबीर ये बात पता लगा लेता है कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या था। क्योंकि दोस्तों इस समय रिया एक्सपोज होने जा रही है और रिया का जो साथ दे रही थी आलिया वो भी एक्सपोज होने जा रही है, क्योंकि दोनों की दोनों वाकई में बहुत ज्यादा चालाकपंती कर रही थी और वाकई में इस घर में एक अलग ही गेम खेल रही थी। लेकिन दोस्तों वो गेम आखिर कब तक खेल पाएंगे, क्योंकि सहाना और प्राची पहले से ही इस चीज की फिराक में थी। लेकिन दोस्तों इस चीज में और भी ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है और इन्वॉल्व होने के बाद में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में अत्यंत ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से रिया का पर्दाफाश होने जा रहा है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जहां पर रिया बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद मैं खुद सिड इस बात को बताता हुआ नजर आएगा कि ना ही रिया प्रेग्नेंट और ना ही प्राची की कोख में मेरा बच्चा। प्राची के कोख में जो बच्चा है वो रणबीर का है। रिया और आलिया बुआ जी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि अगर मैंने झूठी गवाही नहीं दी, प्राची के बारे में झूठी अफवाह नहीं फैलाई तो ये मेरी बहन को मार देंगे। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि घर से जल्द ही निकलती हुई नजर आने वाली है रिया, क्योंकि रिया का इस समय पर्दा पूरी तरीका से फाश हो चुका है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय की न्यू अपडेट इस प्रकार से भी है कि जहाँ पर रिया तो घर से बाहर होंगे ही, लेकिन दोस्तों आलिया भी अब इस घर में रहने वाली नहीं है, क्योंकि आलिया ने जो सोचा था उसका पूरा अपोजिट हो चुका है। आप लोग जानते ही हैं कि रिया और आलिया दोनों मिलकर जो इन्होंने गेम खेला है उस गेम का सेम उल्टा फर्क पड़ा है। और आप लोग जानते ही हैं कि रिया और आलिया ने हमेशा से ही ऐसे ऐसे गेम खेले हैं एक दूसरे के साथ में मिलकर कि अब वाकई में इनकी कहानी पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।